एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। एलजेपी के तेवर से संभावना इस बात की ज्यादा है कि एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाएंगे। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के पार्टी हमारी माँ है। सात निश्चय पर जितने भी काम हुए सारे अधूरे पड़े हुए, जैसे कि गली और नली की योजना। गली और नली की योजना अगर पूरे हो गए तो सरकार पीसीसी सड़क निर्माण में क्यों सांसद और विधायक से पैसे मांगते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि 100 जगहों पर काम हुआ है, 90 जगह पर कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए पड़े हुए हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है। यारी 143 सीटों की है, तो अगर 143 सीटों की चर्चा अगर होगी तो उसको उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। लेकिन हमने कहा ना कि ये सब कुछ अधिकृत है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, और अंतिम निर्णय उनको लेना है। गठबंधन पे, सीटों पे, जो भी निर्णय वो लेंगे, पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी। नली और गली और छोटे छोटे सड़क गांव में बन रहे हैं, वह सांसद और विधायक के फंड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो लोजपा का संकल्प है और जो विजन है, उस डॉक्यूमेंट को बिहार की जनता के बीच लाएगी। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले पार्टी की तरफ से दिया गया ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि बैठक में चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और एलजेपी से कई दौर की हुई बातचीत के बाद दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी। खबर है कि बीजेपी एलजेपी को 20 सीटें देने पर राजी है, जबकि एलजेपी 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। देखिए, एनडीए टूट के कगार पर नहीं, एनडीए टूट चुका है। आज नहीं, 6 महीना पहले से टूटा हुआ। आप लोग कई बार हम लोग से सुने होंगे कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। ये सिर्फ जो है लोगों को बुड़बो बनाने का काम नीतीश कुमार जी कर। बीजेपी जेडीयू की तरफ से चिराग पासवान को मनाने की लगातार कोशिश जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की 2 बार मुलाकात हुई। नड्डा की मौजूदगी में अमित शाह से भी मुलाकात हुई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। पटना में फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने सुशील मोदी की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक। इस बैठक में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और आरसीपी सिंह मौजूद रहे। अंत समय तक बीजेपी और जेडीयू इसी कोशिश में जुटी है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहे। यही वजह है कि एलजेपी को लेकर एनडीए के अंदर चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी जेडीयू के नेता अभी भी ये भरोसा जता रहे हैं कि मामला सुलझ जाएगा। नहीं, कहीं गलत फहमी हो रही है। हम लोग लंबे समय से गठबंधन में एक साथ गठबंधन धर्म को निभाते आए हैं, और हम लोगों को निभाने की जानकारी भी है, क्षमता भी है। हम लोग हर हाल में एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, और हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है। एनडीए ऑल इज वेल है, और जिस अलायंस के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, संभावनाएं ज्यादा होती हैं। लड़ने के विरोधाभासी दावे होते हैं, उन दावों पर अंतिम फैसला जब गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तो लेता है तो साझा ऐलान होता है, लेकिन बाकी तैयारियां हमारी मुकम्मल है। संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।